ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मेंडल के नियम को पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले एक संकर संकरण क्या होता है और द्विसंकर संकरण क्या है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी में, ठीक है ना। और ये क्लास 12 और क्लास 10 दोनों में पूछता है एक संकरण तैयार करने के लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है कि एक संकर संकरण में लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप क्या है, द्विसंकर संकरण में लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप क्या है। तो बाबू क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये चीजें दोनों में पढ़नी है। इसके पिछले वाले मैंने समझाया था कि मेंडल साहब के तीन नियम थे, तीनों नियम को मैं विस्तार से समझा दिया था। जैसे पहला नियम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम, दूसरा का पृथक्करण का नियम और तीसरा का स्वतंत्र अभ्यून का नियम, ठीक है ना। ये तीनों पढ़ चुके थे। जब वो पढ़ चुके हैं तो ये आपको एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होता है एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी, बशर्ते आप वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात समझिए आनुवंशिकी का खोज किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ना अपने प्रयोग के लिए मटर को चूज किए थे, तो उन्होंने क्या किया लंबे मटर मतलब लंबे पौधे बौने पौधे यानी लंबा मटर और बौना मटर क्या किया निषेचन करा दिया, मतलब उनके बीच संकरण करा दिया। संकरण का मतलब उनके बीच क्या करा दिया क्रॉस करा दिया, यानी कहने का मतलब है कि मेंडल साहब ने लंबे और बौने पौधों के बीच क्या किया संकरण करा दिया। जब लंबा को देखो लंबा एक प्रभावी गुण होता है और बौना क्या होता है अप्रभावी गुण होता है, तो प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभावी गुण दिखाने का काम करेगा, ठीक है ना। देखो तो लंबा को टीटी या बौना को क्या किया स्मॉल टीटी, यानी लंबा को बड़ा टीटी और बौना को स्मॉल टीटी लेकर चले हैं। तो सबसे पहले पृथक्करण का नियम अप्लाई करके इनके युग्मक को अलग करेंगे, टीटी टीटी अलग हो गया, यहाँ भी टीटी क्या हो गया अलग हो गया। अब देखिए एक एक अपना संकरण तैयार करेगा, तो ये वाला टी इससे संकरण तैयार कर टीटी बना लिया, यही टी इससे संकरण कर टीटी बना लिया, ठीक है। अब इस टी की बात करते हैं, ये वाला टी इससे संकरण कर टीटी बना लिया और ये वाला टी इससे संकरण कर टीटी बना लिया। तो कहने का मतलब है यहाँ बड़ा टी प्रभावी गुण है और छोटा टी अप्रभावी गुण है। तो प्रभाविता का नियम कहता है, मेंडल साहब का नियम कहता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों गुण एक साथ होते हैं तो प्रभावी गुण अपना लक्षण दर्शाता है। तो बड़ा टी लंबा है इसका मतलब देखो सब में बड़ा टी है, इसका मतलब सब क्या निकलेगा लंबा, यानी प्रभावी गुण हो जाएगा, यानी यहां पर चारों के चारों क्या होगे बाबू लंबा होगा। और इसी को बोलते हैं F1PD, क्या बोलते हैं F1PD। एंड देखो इसमें क्या होगा जब लंबा और बौना पौधा के बीच संकरण किया जाता है तो F1PD में सभी पौधे क्या निकलते हैं लंबा निकलते हैं। ये जो पीढ़ी हो गया ये F1PD हो गया और इनमें सभी पौधे कैसा निकलेगा लंबा, क्यों देखिए आप लंबा और बौना के बीच संकरण करा कर देखिए तो बाबू सब में आपका प्रभावी गुण टी आ रहा है, इसका मतलब इस चारों के चारों क्या होंगे लंबे हो जाएंगे। यानी लिख सकते हैं कि जब मेंडल साहब ने बौने और लंबे पौधे के बीच संकरण कराया तो F1PD में सभी पौधे लंबे निकले, लेकिन जब उसी F1PD का स्वपरागण करा देते हैं तो वहां पर तीन गो लंबा और एक गो बौना निकल जाता है, देखिए ठीक है ना। अब यहाँ टीटी टीटी है ना तो इनका स्वपरागण करा देंगे, स्वपरागण का मतलब स्वयं से परागण कराएंगे, स्वयं से निषेचन एक तरह से समझिए, ठीक है ना। तो टीटी दो गो उठा ले, देखो F1PD का अब क्या करते हैं परागण करते हैं, ये F1PD में निकल गया, अब F1PD में स्वपरागण करते हैं तो वो निकल जाएगा F2PD, ठीक है ना। तो F1PD में स्वपरागण करेंगे टीटी, क्योंकि सब में टीटी बनाना तो टीटी। अब इसका पृथक्करण का नियम अप्लाई करके युग्मक अलग करिए, बड़ा टी अलग छोटा टी अलग, यहाँ भी बड़ा टी अलग छोटा टी अलग। अब जब ये टी इससे निषेचन करके ये बना दिया, ये वाला टी इससे निषेचन करके ये बना दिया संकरण करके, तो देखिए यहाँ पर टीटी बन गया, यानी ये बड़ा टी है दोनों बड़ा टी है, इसका मतलब ये शुद्ध लंबा निकलेगा। यहाँ बड़ा टी छोटा टी है तो भी लंबा निकलेगा लेकिन अशुद्ध लंबा निकलेगा, यहाँ भी बड़ा टी छोटा थी ये भी लंबा निकलेगा लेकिन अशुद्ध लंबा निकलेगा, लेकिन छोटा टीटी है तो ये क्या निकल जाएगा आपका बौना निकल जाएगा। यानी सीधा सा ये मतलब है कि तीन को लंबा निकला और एक को बौना निकल गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं F2PD, क्या बोलते हैं F2PD। यानी समझिए कि जब मेंडल साहब ने एक संकरण में क्या किया, मेंडल साहब ने एक संकरण में लंबे और बौने पौधे को लेकर जब संकरण कराया तो F1PD में सभी पौधे लंबे आ गए, लेकिन जब F1PD का उन्होंने स्वपरागण कराया तो वहां पर F2 जो पीढ़ी थी उसमें तीन को लंबा और एक को बौना पौधा निकल गया, ठीक है ना। वही चीज लिखा हुआ एक संकर संकरण में कि F1PD में सभी पौधे लंबे निकलेंगे लेकिन F2 पौधे में तीन लंबे और एक बौने पौधे निकलने का काम करते हैं। देखो यहां पर ठीक है ना, एक संकर संकरण तो लिख सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जब लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि F1PD में सारे पौधे लंबे निकले हैं, लेकिन F2PD में जब स्वपरागण कराया गया तो F1PD में स्वपरागण कराया गया तब जाकर F2PD में तीन पौधे लंबे और एक बौना निकल गया, ठीक है ये हो गया। अब इस चीज को जैसा आगे बढ़ाता हूं और इस चीज को समझाने का काम करता बाबू कि आप ध्यान से इस चीज को आप समझिए। देखिए
सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पर दो गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में कि लक्षण प्ररूप एक संकर संकरण का लक्षण प्ररूप क्या होगा और द्विसंकर संकरण का नहीं, हाँ द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूप क्या होगा। तो लक्षण प्ररूप का मतलब देखना लक्षण कौ है, यानी कौ प्रकार के उसमें जीव है, यानी लक्षण देखना है। देखिए क्या देखना है, लक्षण यानी उसमें कितने प्रकार के जीव है ये देखना। तो इसमें लक्षण देखिए, तो अगर लक्षण देखते हैं तो मतलब दो ही प्रकार के जीव है, एक लंबा है एक बौना है, मतलब बौना और लंबा इसमें, तो इसका मतलब लंबा कौ एक दो तीन, तो तीन हो जाएगा, बौना कहोगे एक हो तो तीन अनुपात एक, यानी इसका लक्षण प्ररूप क्या हो जाएगा तीन अनुपात एक। तो एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि एक संकर संकरण का लक्षण प्ररूप कितना होता है, लक्षण प्ररूप अनुपात कितना होता है, तीन अनुपात एक। लेकिन जीन प्ररूप पूछेगा तो देखना कि जीन यानी जीव कौन प्रकार का वहां पर हो गया। देखो एक शुद्ध लंबा है, दो गो अशुद्ध लंबा है, आ एगो शुद्ध बौना है, तो शुद्ध लंबा एक है तो एक, शुद्ध अशुद्ध बौना अशुद्ध लंबा कहोगे दो गो तो दो, शुद्ध बौना कौन है कहोगे तो एगो। देखो तो एक अनुपात दो अनुपात एक लिख दिया, ये आपका कौन सा जीन प्ररूप अनुपात हुआ। कैसे, जीन का मतलब देखना जीव को प्रकार का हो गया है, तो एगो शुद्ध लंबा एगो शुद्ध लंबा और फिर दो गो अशुद्ध लंबा और फिर एगो एगो शुद्ध बौना, ठीक है ना। देख सकते हैं एगो शुद्ध लंबा, दो गो अशुद्ध लंबा और एगो शुद्ध आपका बौना हो गया। तो इसका मतलब इसका जीन प्ररूप अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक है, ठीक है ना, कितना होगा एक। तो यह देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर करता है कि एक संकर संकरण में लक्षण प्ररूप अनुपात कितना, तो तीन अनुपात एक, जीन प्ररूपानुपात कितना तो एक अनुपात दो अनुपात एक होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक संकर संकरण होगा। अब चलिए द्विसंकर संकरण को हम लोग ध्यान से देखते हैं और उसको समझते हैं। अब द्विसंकर संकरण को जरा सा समझते हैं। अभी मैंने आपको एक संकर संकरण को समझा दिया था कि उसमें क्या होता है कि जब बौने और लंबे पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो वहां पर F1 पीढ़ी में चार मतलब सभी के सभी लंबे पौधे आते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी मतलब उसी F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में तीन लंबे और एक बौने पौधे आ रहे थे। ये एक संकर संकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब संकर संकरण क्या होता है, तो कुछ नहीं, दो लक्षणों के बीच जब संकरण करा देंगे ना तो वही होता है द्विसंकरण, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि जब मेंडल साहब ने दो लक्षणों के बीच संकरण कराया तो उसे ही नाम दिया द्विसंकरण, द्विसंकर संकरण, ठीक है। अब जैसे समझते हैं दो लक्षण का मतलब दो अलग अलग लक्षण, जैसे बीज का आकार और बीज का रंग दो अलग अलग लक्षण हो गया, ठीक है ना। तो देखो बीज का आकार यदि लेकर चलते हैं तो उसका प्रभावी गुण गोल होता है और अप्रभावी गुण झुरीदार होता है, लेकिन अगर बीज का रंग की बात करते हैं तो बीज के रंग जो प्रभावी रंग होता है वो तो पीला होता है और हरा जो होता है ना अप्रभावी होता है, ठीक है ना। तो प्रभावी और अप्रभावी के बीच तो दो गो लक्षण लेकर चल रहे हैं, गोल पीला गोल हरा, तो गोल पीला कौन सा है तो प्रभावी गुण है, ठीक है ना, मटर का चाहे जिस पौधे का भी चर्चा कर रहे हैं, उसको झुरीदार और हरा ये अप्रभावी गुण है। तो इनके बीच उन्होंने क्या किया, संकरण करा दिया, दो गो लक्षणों के बीच जब संकरण कराए तो उसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण कहते हैं। समझिए देखिए गोल पीला और झुरीदार हरा, गोल पीला झुरीदार हरा ये दो लक्षण है, इन दोनों के बीच क्या किया मेंडल साहब ने संकरण कराया, इसी कारण से इसका नाम दे दिया द्विसंकर संकरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, दो अंक के लिए पांच अंक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। देखिए द्विसंकर संकरण, ठीक है ना, तो यहां पर गोल पीला प्रभावी गुण और झुरीदार हरा लेकर चल दिए, तो गोल पीला झुरीदार हरा, तो गोल को इंग्लिश में मतलब आर आर और पीला को बड़ा वाई वाई से, ठीक है ना, और झुरीदार को छोटा आर आर से और हरा को छोटा वाई वाई से सूचित किए हैं। अब देखिए सबसे पहली बात है इसका इसका आर और इसका बड़ा वाई, ठीक है ना, इसका छोटा आर और इसका छोटा वाई, ये मिलकर क्या किया एक संकरण बनाने का काम किया। लिखा पर आर आर वाई वाई, तो पता ही ना प्रभाविता का नियम कहता है, प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभावी गुण दर्शाएगा, तो बड़ा आर गोल है और उसके बाद बड़ा वाई क्या पीला है, इसका मतलब यहां पर जो चीजें प्राप्त हुई वो गोल पीला प्राप्त हो गया। तो इस पीढ़ी को हम लोग बोलेंगे F1 पीढ़ी, कौन सा पीढ़ी बोलेंगे बाबू, F1 पीढ़ी। लेकिन फिर मेंडल साहब ने द्विसंकरण संकरण में भी उन्होंने क्या किया F1 पीढ़ी में क्या किया, स्वपरागण करा दिया, क्या करा दिया वो F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया, तो इसी का जो प्राप्त हुआ इसका फिर स्वपरागण करा दिया, मतलब स्वयं से एक बार समझिए कि संकरण करा दिए, तो आर आर वाई वाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले पृथक्करण का नियम यहां पर अप्लाई कर दिए वो, ये क्या F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराई जा रही है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया इनका पृथक्करण का नियम अप्लाई कर दिया। देखो तो एक बार आर वाई बड़ा आर वाई, एक बार आर छोटा वाई, एक बार छोटा आर बड़ा वाई, एक बार छोटा आर छोटा वाई, मतलब चार भागों में अप्लाई कर दिया। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि युग्मकों के रूप में बांट देना है, तो युग्मकों के रूप में दोनों क्या किया बांट दिया गया। आज बांटने के बाद
अब संकरण कर दिया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यानी पहला का 400 संकरण, फिर दूसरा का भी 400 संकरण, तीसरा के भी वही, तो इसका संकरण यहाँ पर करा के हम लिख दिए, देख सकते हैं हई चारों जो है ना ऊपर लिख दिया गया और हई चारों इधर लिख दिया गया। अब इसका इसका संकरण कर देते ये बन गया, इसका इसका संकरण कराते ये बन गया, इसका इसका संकरण कराते ये बन गया, इसका इसका संकरण कराते ये बन गया, इसी प्रकार से सबका संकरण कराया, तो ये आपका संकरण द्विसंकरण संकरण यहाँ पर आ गया। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, कई बार पूछा है द्विसंकर संकरण में लक्षण प्ररूप क्या है। देखो जीन प्ररूप अनुपात उतना नहीं पूछा अभी तक एग्जाम में, लेकिन लक्षण प्ररूप अनुपात पूछ देता है, पूछता नहीं पूछ ही देता है हर बार एग्जाम में, देखिएगा ठीक है ना। तो ये द्विसंकर संकरण में उन्होंने दो लक्षणों के बीच क्या किया, संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में जो उनका उनका जो समझिए उनका जो प्रोडक्ट आया था उसका फिर उन्होंने क्या किया संकरण स्वपरागण करा दिया। तो स्वपरागण कराने के बाद उनका ये सब चीजें, ये सब प्रोडक्ट आने का काम किया। तो यहां पर सबसे पहले हम लक्षण प्ररूप निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं बाबू, लक्षण प्ररूप निकालते हैं। तो लक्षण प्ररूप क्या हो जाएगा, गोल पीला गोल हरा, उसका झुरीदार पीला झुरीदार झुरीदार हरा, ठीक है ना। मतलब एक अनुपात के रूप में लेकर चलो, लक्षण का मतलब कितने टाइप के जीव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आपको गोल पीला मिलेंगे गोल हरा मिलेंगे, झुरीदार पीला मिलेंगे झुरीदार हरा मिलेंगे। तो गोल पीला अगर इसमें आप ढूंढिएगा, गोल पीला मतलब बड़ा आर और बड़ा आर और बड़ा वाई जहां भी होगा वो गोल पीला को दर्शाएगा। तो ऐसा अगर इसमें ढूंढेंगे गोल पीला तो 9 गो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गोल हरा ढूंढेंगे तो 3 गो मिलेगा, अगर झुरीदार पीला ढूंढेंगे तो 3 गो मिलेगा, और झुरीदार हरा ढूंढेंगे तो अंतिम वाला 1 गो मिलेगा। इसका मतलब लक्षण प्ररूप अनुपात द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:1 होता है। लेकिन अगर इसका जीन प्ररूप अनुपात ढूंढते हैं तो भैया जीन प्ररूप अनुपात जीव को प्रकार के है, तो इसमें देख सकते हैं शुद्ध गोल पीला भी होगा, सूद आपका गोल पीला भी होगा, उसका सूद गोल हरा भी होगा, कहीं ना कहीं आपको मिलवे करेगा जनजेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर इसको याद करना है बाबू कि जीन प्ररूप अनुपात, तो इसमें माथा पेची हो जाता है कोई लेकर वो समझ में नहीं आता है। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि 1:2 को सिर्फ पकड़ लेना, देखिए कैसे जीन प्ररूप अनुपात याद करने के लिए पहले आपको 1:2 लिखना है और फिर इस मान को प्लट देना है, 2:1 कर देना है, ठीक है। 1:2 और फिर इस मान को मैंने क्या किया प्लट दिया, अब प्लटने के बाद इसका दोगुना कर दिए, 2:1 जो 1 है इसका दोगुना करिए तो 4:2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको 1:2 लिख देना है, क्या लिखना है 1:2 लिखना है और अंत में 1 लगा देना है, यही क्या हो गया तो जीन प्ररूप अनुपात हो गया, कुछ नहीं 1:2 इसको लट दीजिए 2:1, फिर इसका दोगुना कर दीजिए 4:2, फिर 1:2 लिखिए और 1 लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। ये कौन सा अनुपात हो गया, ये जीन प्ररूप अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:1 होता है, लेकिन जीन प्ररूप अनुपात 1:2, 2:1, 4:2 और 1:2:1 हो जाता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला 1:2, फिर इसको प्लट दीजिए 2:1, अब इस 2:1 का दोगुना कर देंगे 4:2 हो गया, फिर 1:2 लिखिए अंत में 1:1 लगा दीजिए, ये आपका कौन सा प्ररूप हो गया। तो ये हो गया जीन प्ररूप अनुपात किसका, द्विसंकर संकरण का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है द्विसंकरण संकरण का वर्णन करें, एक संकर संकरण का वर्णन करें, तो दो नंबरिया पांच नंबरिया और साथ में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जीन प्ररूप अनुपात क्या होगा, लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा, एक संकर संकरण में जीन प्ररूप अनुपात लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा, सब क्वेश्चन करते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सब चीज जो है ना आपके दिमाग में बैठ गई होगी, तो आपका फर्ज बनता है जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करें। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यहां से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का है कि आपको कॉल नहीं करना, बल्कि व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।